हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं, पर सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख या कोई परेशानी हो, या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जिसके दो मार्ग हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। भागवत गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था जो भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है, भले ही पुराना है, लेकिन आज के दौर में भी आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। भागवत गीता आपको एक जीने का ऐसा ढंग सिखाती है जो भरोसे और त्याग पर निर्भर करता है। जब तक आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं है, आप उसको हासिल नहीं कर सकते, और जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। भरोसे और त्याग से ही आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको भागवत गीता के ऐसे उद्देश्यों के बारे में बताएंगे जो सरल भाषा में दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। गीता का पहला उपदेश है क्रोध पर काबू रखना। आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये कहावत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही थी। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं, लेकिन उसको अपने जैसा विषैला बना देता है। अब आप सोचेंगे, भला क्रोध किसी व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है? वे इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो अपना आपा खो बैठता है, सामने वाले को ऐसे शब्द बोल जाता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसे क्रोध की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराए का लिहाज भूल जाता है, जिसके चलते वो अपने सबसे करीबी रिश्ते गंवा बैठता है। अब सवाल ये है कि क्रोध की अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए, तो चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक स्त्री थी जिसका स्वभाव बहुत क्रोधित था। उसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था। अपने गुस्से के आगे वो अच्छे बुरे का भेद तक भूल जाती थी, जो मुंह में आता बोल देती। महिला के उग्र स्वभाव के कारण उसका परिवार और उसका पूरा गांव परेशान था, मगर जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो अपने किए पर पछतावा भी करती थी। वो खुद क्रोध को काबू करना चाहती थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसके गांव में संत महात्मा आए। वो संत से मिलने पहुंची और उन्हें अपनी परेशानी बताई और कहा कि मैं अपना स्वभाव नहीं सुधार पा रही हूं, कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा ऐसा स्वभाव हमेशा के लिए शांत हो जाए। संत ने उस स्त्री की बातों को गौर से सुना। वो समझ चुके थे इसकी समस्या कैसे दूर हो सकती है। उन्होंने उस स्त्री को एक सीसी दी और कहा कि इसमें एक दवा है, जब तुम्हें क्रोध आए तो इसे मुंह से लगाकर धीरे धीरे पीना। इसे तब तक मुंह से लगाए रखना जब तक तुम्हारा क्रोध शांत ना हो जाए। जब इसकी दवा खत्म हो जाए तो आश्रम आकर और ले जाना। संत की आज्ञा मानकर महिला ने क्रोध आने पर उस दवा का सेवन करना शुरू कर दिया। एक सप्ताह में ही उसका क्रोध कम होने लगा। इससे खुश होकर वो आश्रम में संत से मिलने पहुंची और उन्हें बताया, क आपकी दवा चमत्कारी है, मेरा क्रोध कम हो गया है। तब संत ने उसे बताया कि असल में सीसी में कोई दवाई ही नहीं है, बल्कि सामान्य पानी है। क्रोध के समय तुम्हारे वचन को बंद करना था, तुम्हें मौन रखना था, इसलिए मैंने तुम्हें यह सीसी दी थी। सीसी मुंह पर लगी होने की वजह से तुम क्रोध के समय कुछ बोल नहीं पाई। इससे सामने आने वाले लोग तुम्हारी बातों से बच गए, तुम्हारे चुप रहने से बात बिगड़ने से बच गई। इसलिए दोस्तों, आपको जब भी गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए आप शांत हो जाइए और मौन होने का प्रयास करें, इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। भागवत गीता का दूसरा उपदेश, देखने का नजरिया।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में कमियां निकालता है। दोनों ही सिचुएशन में दो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वो सही है, सही सोचने वाले को लगता है कि वो सही सोच रहे हैं, और गलत सोचने वालों को लगता है कि वो भी सही सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सही है। आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझता हूँ हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। पुराने समय में एक शराबी व्यक्ति के दो बेटे थे। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वो भी पिता की नशे की लत से परेशान रहते थे। एक दिन पिता की मृत्यु हो गई। जब दोनों लड़के बड़े हुए तो बड़ा भाई तो शराबी हो गया, लेकिन छोटा भाई पढ़ लिख कर समाज का सम्मानित व्यक्ति बन गया था। दोनों भाइयों को देखकर लोग आश्चर्य करते थे कि एक भाई बेकार है, शराब पीता रहता है, लेकिन दूसरा भाई इतना समझदार और सफल इंसान कैसे बन गया। एक दिन कुछ लोगों ने बड़े भाई से पूछा कि तुम दिन भर शराब पीते हो, लोगों से बिना वजह झगड़ा करते हो, इसकी वजह क्या है? तुम ऐसे किस वजह से बन गए हो? शराबी व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसके जिम्मेदार मेरे पिता है। वो हमेशा शराब पीते थे, घर में झगड़ा करते थे, उन्हें देखकर मैं भी उनके जैसा ही हो गया। लोग छोटे भाई के पास पहुंचे। लोगों ने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई तो शराबी है, वो कुछ काम भी नहीं करता, लेकिन तुम एक सफल और प्रसिद्ध इंसान बन गए, इसकी वजह क्या है? सफल व्यक्ति ने कहा, मैं आज जिस मुकाम पर हूं उसकी वजह मेरे पिता हैं। ये बात सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई। दोनों लड़कों के अच्छे बुरे हालात के लिए इनके पिता जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? लोगों ने छोटे भाई से यह प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति ने बताया, मेरे बड़े भाई ने पिता की बुरी आदतों को अपना लिया, लेकिन मैंने शुरू से ही सोच लिया था कि मुझे पिता की तरह शराबी नहीं बनना है, वैसा काम नहीं करूंगा जिससे दूसरों को तकलीफ होती है, इसलिए मैंने को पढ़ाई की और आज मैं एक सफल व्यक्ति हूं। हमें परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। दूसरों की गलतियों से सीख लेकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। भागवत गीता का तीसरा उपदेश है मन पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है। क्योंकि मन चंचल है, किंतु ये हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी हो सकता है। आपका मन, विशेष रूप से आपके विचार, आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, और इसीलिए जीवन को सही तरह से जीने के लिए हमारा मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए और ये हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि कांव कांव की आवाज न करे, या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग न मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती है। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए
सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो तो बेवजह की चिंता ना करें। गीता का चौथा उपदेश ये है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वो आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के काम वाली बाइयों के जरूरतमंद हो जाते हैं तो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से उतना काम कर नहीं पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं तो आपको दूसरे हजार ओन ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहते रहते हैं तो आपको पता होता है कि आप उसके जरूरतमंद है और वो उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और, जिस घर परिवार में आप रहते हैं अगर वहां भी आप किसी के जरूरतमंद है तो वो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पर चढ़कर नाचेगा वो इंसान और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने से। आप चाहे हजारों के लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबा कर रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी आपके साथ जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओ। किसी जरूरतमंद होना मर जाने से भी बदतर होता है। जरूरतमंद आपको गुलाम बना बना कर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप जरूरतमंद हो जाते हैं? आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंद सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी जरूरतमंद मन की होती है कि जिंदगी में कोई हमें चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है, फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की जरूरतमंदी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आए, और वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिस जरूरतमंद हो और वो आपका फायदा ना उठाए। इसीलिए जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाना।